चली जाए। कुछ लोग कहते थे कि जूनियर अकाउंटेंट की मांग करो कि हमारी भर्ती भी निकाली जाए, कुछ कहते थे प्रोग्रामर की मांग करो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। तो अच्छी खबर है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी आएगी। वो पदों की संख्या 3000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है, लेकिन 2000 प्लस पदों पर, क्योंकि मैं 2000 प्लस इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों ने मुझे 3000 प्लस भी बताए हैं, तो 2-3 हजार प्लस पदों पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, कोरोना काल में सारा मामला अटका पड़ा है, लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे, अधीनस्थ बोर्ड ही इस बार एग्जाम करवाने की संभावना बता रहे हैं। अभी जो जहां तक मेरे अधिकारियों से बात, क्योंकि मैं लगातार मांग कर रहा था, मैंने कहा साहब बता तो दीजिए जिसे अभ्यर्थी तैयारी कर सके, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, लगभग पद बता दीजिए, तो उन्होंने 2-3 हजार प्लस बताए। तो ये जूनियर अकाउंटेंट भी आएगी, वहीं सूचना सहायक भी 4 से 5 हजार पदों पर, मैं चार जो ये आंकड़े संभावित बता रहा हूँ, 4000 से ऊपर भी, 45, 45, 46 हो सकते हैं, या 5000 प्लस भी हो सकते हैं। तो 4-5 हजार पदों पर सूचना सहायक भर्ती भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसकी भी संभावना मुझे अधिकारियों ने बताई है। तो सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी तैयारी करें, प्रोग्रामर भी 1000 से ज्यादा लगभग हो सकते हैं, करीब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो प्रोग्रामर की भर्ती के पद, लेकिन इसमें विज्ञप्ति जारी होने में मार्च अप्रैल भी हो सकती है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। इसके अलावा टीआरए, साथियों टीआरए की विज्ञप्ति जैसे ही कार्यभाग से वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो सीएटी से हम इसको बाहर करवा रहे, टीआरए सहित अन्य जो भर्ती या जिनकी विज्ञप्तियां जो पहले की पुरानी है या 2022 से पहले की है, उनको टीआरए से बाहर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जब हेमंत गेरा जी जो डीओपी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ इनको हम बाहर करके जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा करवाएंगे, तो उसके निर्देश अभी अधीनस्थ बोर्ड को नहीं मिले। अधीनस्थ बोर्ड को निर्देश मिलते ही टीआरई की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, क्योंकि सीएटी करवाएंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और टीआरई की एग्जाम समय पर नहीं हो पाएगी। तो टीआरई के जो अभ्यर्थी थोड़ा सा और संयम रखें, क्योंकि जो मैं ज्ञापन दे पाया था, देकर आया था, उस पर कार्रवाई हो रही है, और सीएटी से इनको टीआरए और जो सीएटी में और भर्ती है, जो पुरानी इनकी विज्ञप्तियां हैं या अभ्यर्थना है, उनको बाहर किया जाएगा और उनकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और